ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। सो हमने ये देखा था कि अभी तक कि अप्राप्तम और प्राप्तम में, तो एनीवन हु वांट्स मी टू रिपीट, कि कोई चाहता है कि मैं इसे रिपीट करूं? सबको क्लियर? ठीक है, सो हम ये देखते हैं कि जैसे मेंटल चार्टर जो होता रहता है माइंड में, जब हम बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सोचते कि हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें, हम सारी चीजों को अपने हिसाब से चलें, दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हमारा एवरी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या हमारे रिलेशनशिप में हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए कि अगर मैं ये कह रही हूँ दैट इज राइट, हम अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनाते हैं, जब हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस लेते हैं, जब हम मी मी एंड मी के अंदर रहते हैं, तो चाहे सामने हम दिखा रहे हो कि हम कितने पावरफुल हैं, सामने चाहे हम कितना भी सामने हम कितना भी दिखा रहे हो कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, सामने हम कितना भी दिखा सकते हैं कि देखो मेरे में कितनी पावर है, मेरा कनेक्शन इन लोगों के साथ है, मेरा कनेक्शन उन लोगों के साथ है, तो तब भी हमारे माइंड में जो होती है वो इनसिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी लेवल को टू पार यूज कर रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलता रहेगा कि ऐसा हो रहा है, आगे कैसे करना है, आगे हम क्या कर सकते हैं, तो जो ये होता है ये मेंटल चार्टर चलता रहता है। एंड इंस्टेड ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट, हम आज में जीने की जगह हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर में लिव करना शुरू कर देते हैं। और सबसे कॉमन बीमारी, अगर आप फ्यूचर में लिव करो, अगर मैं अपने फोन पे मल्टीपल चीजें खोल लूं, अपनी विंडोज पे बहुत सारी चीजें खोल लूं, तो मेरा सिस्टम क्या होगा, स्लो होगा और एक टाइम पे आके क्रैश हो जाएगा। सो ऐसे ही अगर मैं अपनी बॉडी को बार बार मल्टीपल थिंग्स में इन्वॉल्व करूं, इतने मेंटल चार्टर के हिसाब से मैं चलती रहूं, तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है थायराइड। लिविंग इन फ्यूचर मीन्स थायराइड, जो आजकल थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि आई लिव इन फ्यूचर। ठीक है, और जब इतना इनसिक्योरिटी होता है तो हम बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अब दुर्योधन क्या कर रहा था, भीष्म पितामह मेरा साथ देंगे, भीष्म पितामह मेरे लिए लड़ाई लड़ेंगे, आई विल विन। द्रोणाचार्य को इनसिक्योर किया, द्रोणाचार्य मेरे लिए वॉर जीतेंगे, आई विल विन। अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि पता है गलत करके बैठा हूं, मेरे हिसाब से नहीं होगा, इन लोगों का पुण्य काम आ जाएगा तो हम करेंगे। और हम क्या करते हैं कलयुगी मनुष्य, हम क्या करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को 10 रुपीज का प्रसाद, बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते हैं हनुमान जी प्लीज पेपर निकलवा दो, पूरे साल नहीं पढ़ाई करी, या फिर हम हनुमान जी को कहते हैं प्लीज ऐसे कर लो। नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं ना, नवरात्रे रखे जाते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, पहले आप पूरी करो, हलवे पे भी इन्वेस्टमेंट मैं बाद में करूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, पहले मुराद पूरी करो। सो वी बिकम अ बिजनेसमैन, भगवान के साथ हम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब भगवान हमारी विशेष नहीं पूरी करते तो ओहो, फिर हम दूसरे भगवान जी के पास जाते हैं, अरे वो साउथ दिल्ली वाले गुरुजी का आजकल बहुत सुना है, वो अच्छा कर रहे हैं, या इन गुरुजी के पास जाओ, विशेष सारी पूरी कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, फ्यूचर इतना ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपना पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, हम अपनी वर्किंग कैपेसिटी छोड़ देते हैं कि हमें ऐसे वर्क करना है, हमें वो वर्क करना है, हमें वैसे करना है, हम इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं, और उससे क्या होता है हमारी इनसिक्योरिटी और बिल्ट हो जाती है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको विश्वामित्र की स्टोरी सुनाई थी, विश्वामित्र की क्या स्टोरी सुनाई थी कि पहले वो नॉर्थ इंडिया में जाके प्रे करते हैं और अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, तब इंद्र क्या करते हैं वहां पे मेनका को भेजते हैं, और विश्वामित्र जो होते हैं उनसे इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और लस्ट की वजह से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। फिर व्हेन ही रियलाइजेस कि नहीं मेरी तो तपस्या का फल जीरो हो गया, ही सेड कि ये नॉर्थ डायरेक्शन ही खराब है, आई शुड गो टू ईस्ट। और फिर जब वो ईस्ट में जाके तपस्या कर रहे होते हैं तो इंद्र क्या करते हैं, फिर रंभा को भेजते हैं, और जब वो रंभा को भेजते हैं तो रंभा कहती है, रंभा वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तब विश्वामित्र क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि तुम सेम प्लान मेरे साथ दोबारा कर रहे हो, अभी मेनका हटी है, तो वो क्या करते हैं रंभा को स्टोन बना देते हैं। एंड देन ही रियलाइजेस ओ माय गॉड, मैंने फिर से अपनी तपस्या से
रंभा को स्टोन बना दिया, मेरा तपोबल फिर से जीरो हो गया, गुस्से से तपोबल जीरो हो जाता है, लस्ट से तपोबल जीरो हो जाता है, एंड देन ही सेज ये ईस्ट डायरेक्शन ही खराब है, मुझे यहाँ पे नहीं तपस्या करनी चाहिए। एंड देन वो साउथ जाते हैं, साउथ जाते हैं तो वहां एक त्रिशंकु आता है, त्रिशंकु कहता है मेरे को वशिष्ठ ने मना किया है कि मैं इसी शरीर में जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो वशिष्ठ मना कर रहे हैं आप, और विश्वामित्र और वशिष्ठ का 36 का आंकड़ा होता है, विश्वामित्र अपने आप को वशिष्ठ से ज्यादा अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, तो वो वशिष्ठ को कहते अच्छा उन्होंने नहीं किया, आई विल सेंड यू, और वो त्रिशंकु को फिर से स्वर्ग भेजते हैं, बट दैट इज अगेन अ फेलियर अटेम्प्ट, वो नहीं कर पाते, और त्रिशंकु क्या होता है वो आसमान में उल्टा लटके रहते हैं, एंड देन विश्वामित्र सेज द साउथ डायरेक्शन इज बेकार, यहाँ पे भी नहीं करनी पड़ती है। कैन यू कोरिलेट, हम भी यही करते हैं, आज अगर माता हमारे वो पूरी नहीं कर रही तो हम शिव जी के पास जाएंगे, अगर शिव जी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे तो हम हनुमान जी के पास जाएंगे, गणेश जी के पास जाते हैं, हम भी सारे डेमी गॉड्स के बीच में शटल होते रहते हैं, इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, क्या होता है हम सिर्फ फ्यूचर में लिव कर रहे हैं, मेंटल चार्टर, यू नो इट्स लाइक अ गेम, गेम ऑफ गैम्बलिंग। आप मेरी बहन जो है कुछ समय पहले कहा वो US गई थी, और वहां पे क्या है कैसीनोस होते हैं जहाँ पे गैम्बलिंग किया जाता है, वहां पे गैम्बलिंग में यही लिखा जाता है कि आप सिर्फ इतने अमाउंट तक ही खेलिएगा, उससे आगे मत खेलिएगा, क्योंकि लत है, एडिक्शन है, आपको लगता है नेक्स्ट गेम आप जीत जाओगे। दुर्योधन को क्या लगता था कि मैं नेक्स्ट जीत जाऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, भीष्म मेरी साइड लड़ लेंगे तो मैं जीत जाऊंगा, उसके एवरी डे रोज 10-10 भाई मर रहे थे, फिर भी दुर्योधन को था मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, 10 मिनट्स में क्लास खत्म होएगी, प्लीज रिजॉइन, बिकॉज बहुत टाइम बीच में वेस्ट हो गया आज हमारा। सो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, ये गेम जीत जाऊंगा, मैं वो वाली गेम जीत जाऊंगा, मैं ऐसे जीत जाऊंगा, तो उसको पता था कि पांडवों की साइड से somehow उसके back of the mind चल रहा था कि पांडवों की साइड से जो है श्री कृष्ण है तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, इनसिक्योरिटी थी, तभी वो डबल मीनिंग वर्ड्स में सामने आ रही थी। हमें भी क्या लगता है, नहीं मैं थोड़ा टाइम और स्टे कर लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, थोड़ा टाइम मैं अगर ये वाला उपाय कर लूं, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाऊं, मैं ऐसे कर लूं तो मेरी सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। सो व्हाट इज दिस, हम शास्त्रों के ज्ञान से जानते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड क्या है, दुखाले अशाश्वतम, या एक प्रॉब्लम सॉर्ट होगी तो दूसरी आएगी। सो ऐसा हुआ, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, एक आदमी गया है गुरुजी के पास और उसने कहा गुरुजी मेरी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं और मैंने आपका सुना है आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, और वो अपनी लिस्ट निकालता है, देयर 100 प्रॉब्लम्स, एंड गुरुजी से देखो आज तो तुम्हारे जो है ना टाइम ओवर हो गया है, तो मेरा एक काम कर दो, कल फर्स्ट मैं तुम्हें देखूंगा। तो कहते हैं ओके गुरुजी बताइए एनीथिंग फॉर यू। तो वो कहता है तुम एक काम करो, ऐसा करो ये ना मेरे कैंप्स हैं, इसमें 100 ऊंट हैं और इन 100 ऊंटों को तुम सुला देना, सबको बैठ जाएंगे तो ये सो जाएंगे, और जैसे ये सो जाएंगे और फिर तुम सो जाना, तो मैं नेक्स्ट डे आके तुम्हारी क्लियर माइंड से प्रॉब्लम सुनूंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो क्या होता है, तो रात को वो सारा दिन मतलब सारी रात को वो एक ऊंट को बिठाता था, सुलाता था, नीचे बिठाता था तो दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता था, फिर वो दूसरे को सुलाता था तो तीसरा खड़ा हो जाता था, ऐसे ही मल्टीपल ऊंट कभी खड़े होते, किसी को करता फिर दूसरे उठ जाते। सो नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी आए और उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी नींद कैसी रही, तुम ठीक हो? वो कहते गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हो गया, आपने ये क्या काम दे दिया, एक ऊंट बैठता था दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता था तीसरा, ये 100 ऊंट, मेरे से तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई नहीं, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पाया आपका काम, और नींद तो छोड़ो मैं तो सो भी नहीं पाया, 5 मिनट्स 5 सेकंड्स के लिए भी नहीं सो पाया। तो इससे गुरुजी कहते हैं तो तुम कहाँ रह रहे हो, तुम दुखाले अशाश्वतम में रह रहे हो, तुम्हारा एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा दूसरा खड़ा होगा, दूसरा करोगे तीसरा खड़ा होगा, ये कभी एंड नहीं होगा, जब तक तुम्हारा लाइफ है ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये चलती रहेंगी, ये एंड नहीं होएंगी। तो वो कहते हैं फिर क्या करें, वो कहते हैं तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, एट द पॉइंट अपनी प्रायोरिटीज चूज करनी पड़ेंगी। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड क्या है, ये कोयले की खान है और आपने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और आप चाह रहे हो कि आपके कपड़ों पे दाग ना है, ऐसा इम्पॉसिबल है। अब व्हाइट कपड़े पहन के कोयले की खान में जाओगे और आप सोचो दाग ना है, इम्पॉसिबल। कोरोना के लिए मास्क नहीं पहनोगे, कोई छींकेगा तो कोरोना होगा ही होगा,
होगा कि नहीं होगा, कितने केसेस पढ़ रहे हैं. सो तो आपको अपने बैटल्स को चूज करना है. हर युद्ध लड़ना शुरू करोगे, अपनी हर प्रॉब्लम्स को फाइट करना शुरू करोगे तो यू विल गो मैड. ठीक है, ये जो द्वापर युग में, त्रेता युग में ये ऋषि मुनि थे, सतयुग में ऋषि मुनि थे, ये जब भी फाइट करते थे ये सिर्फ अपना तपोबल खोते थे. इनका लाइफ पैटर्न इतना लंबा था कि वो 60,000 ईयर की फिर तपस्या करके वो तपोबल कर लेते हैं. हम कलयुगी मनुष्यों का लाइफ पैटर्न कितना है? वी हैव 80 ईयर्स और 100 ईयर्स टू लिव. और अगर उसमें भी मैं ऐसे हर युद्ध में लड़ने पड़ूंगी, मेरी नेबर की हर लड़ाई में मैं उससे लड़ने लग जाऊंगी, मेरे रिलेशनशिप में बहुत सारी लड़ाई है मेरे हस्बैंड से साथ, मेरे कितने रिलेशन मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं हर लड़ाई में लड़ने लग जाऊंगी, तो व्हेन विल आई लिव? मेरा एक पेपर नहीं ठीक हुआ, क्लियर नहीं हुआ, फॉर स्टूडेंट्स आई एम स्पीकिंग, कि मेरा अगर एक पेपर क्लियर नहीं हुआ, अगर मैं उसी पे अपनी लाइफ स्टक अप कर दूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? मेरी तो लाइफ खत्म, मैं तो जी नहीं, मैं तो बस लड़ती रह गई, मैं हर सिचुएशन से लड़ती रह गई. वो तो हर ऊंट है, वो एक ऊंट बैठेगा तो अगला उठेगा और दूसरा बैठेगा तो तीसरा उठेगा, तो ऐसे मल्टीपल ये सारे ऊंट उठते रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? फिर मुझे क्या हो जाएगा? मुझे थायराइड हो जाएगा. व्हाई आई एम लिविंग इन द फ्यूचर? मैं इतनी ज्यादा इनसिक्योर होंगी तो मेरे लास्ट के तीन चक्रास तो वीक हो जाएंगे. मूलधार चक्र वीक हो जाएगा, स्वाधिष्ठान चक्र वीक हो जाएगा, मणिपुरा चक्र वीक हो जाएगा, और उससे मैं कितने डिसीजेस अट्रैक्ट करेंगे. और अगर इसको और स्ट्रेच कर लो, च्युइंगम की तरह लाइफ को ऐसे ही स्ट्रेच करते रहो, ऐसे ही अपने बैटल्स के बारे में सोचते रहो, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सेल डिवीजन रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी का एक एक सेल म्यूटेट कर जाएगा, कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे. कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्या है? एक बॉडी का सेल जो 10 बार डिवाइड होना चाहिए बॉडी में, मैं इतना सोच रही हूँ. अब भगवान कहते हैं भैया ये इतना सोच रही है, इसके दिमाग को बड़ा करो, इसकी बॉडी को बड़ा करो, इसको सोचने की क्षमता दो. तो जो सेल एक बार में 10 बार डिवाइड होता है वो 1000 बार डिवाइड होगा, वो 2000 बार डिवाइड होगा. जब मैं अपना थ्रेशोल्ड को क्रॉस करूंगी, जब मैं अपने, मेरा फोन क्यों बंद हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो उस टेम्परेचर को नहीं कर पा रहा तो वो बंद हो गया. ठीक है, अभी प्रेजेंटली. ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि मैं एक ही चीज पे स्टक अप हूं, तो बॉडी क्या करेगी? क्रैश हो जाएगी. और कैंसर क्या है? अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया. कैंसर का सेल डिवीजन जो नेचुरल डिवीजन रेट को उसने क्रॉस कर दिया, और वो अनलिमिटेडली डिवाइड हो रहा है. नॉन स्टॉप वो कैंसर की सेल्स डिवाइड हो रही है. अपने थ्रेशोल्ड को, अपने लिमिट्स को उसने क्रॉस कर दिया. क्या हुआ? कैंसर हो गया. बॉडी में कैंसर बहुत जल्दी फैल गया. अभी यहाँ पे था और वहां पे था. डू यू रियलाइज कि सबसे पहले कैंसर कहाँ फैलता है? सबसे पहले जितने भी हम मेडिकल रिपोर्ट्स देखें, कहीं का भी कैंसर हो तो सबसे पहले कैंसर फैलता है या तो लिवर पे या तो फिर लंग्स के ऊपर. सबसे कॉमन आप सोचोगे कि ओहो इनका कैंसर फैल गया जी, इनका कैंसर कहाँ फैला जी? इनका कैंसर फैला इनके लिवर पे चला गया या लंग्स पे चला गया. तो ऐसा क्यों होता है कि लंग्स और लिवर के ऊपर क्यों जाता है? जब आपको न्यूज ब्रेक होती है कि भाई कैंसर हो गया है, तो सबसे पहले लगता है हाय मैं जीऊंगा कैसे, हाय मेरी ऑक्सीजन नहीं आ रही, मैं ब्रीथ कैसे करूंगा. और जब ये थॉट आपके माइंड में स्टैम्प्ड हो जाता है तो लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. लंग्स कहती है भाई इसको सांस नहीं आ रही. व्हाट माइंड डज? बॉडी फॉलोज. बॉडी फॉलोज लाइक एनीथिंग. बॉडी फॉलोज लाइक अ पतिव्रता नारी टू द माइंड. जो बॉडी है उसकी शादी हुई हुई है माइंड के साथ, और बॉडी जो है वो बहुत पतिव्रता नारी है. और वो पतिव्रता नारी होने के बाद जो माइंड कहता है, माइंड ने कहा अरे कैंसर हो गया भाई, मैं जीऊंगा कैसे, सांस नहीं आ रहा, सफोकेशन हो रहा है. तो बॉडी कहती है अरे स्वामी को सांस नहीं आ रहा, मुझे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, मुझे लंग्स एक्सपैंड करनी है. लंग्स का सेल डिवीजन रेट बढ़ गया और लंग्स में भी कैंसर हो गया. भैया वो तो लंग्स डिवाइड हो रहे हैं ना, कि आपको बलून ज्यादा भर रहे हैं ताकि हवा आए, और उससे क्या हुआ? कैंसर हो गया. और लिवर में क्यों फैलता है? जब हमें लगता है हाय राम मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा. कैंसर नहीं मारता, दहशत मारती है. हाय मैं खाना खा पाऊंगा, हाय हाय पेन तो नहीं हो जाएगा, ये कैंसर हो गया, हाय हाय कितनी भेड़ी. अभी जब तक डायग्नोस नहीं हुआ होता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंडाइजेशन है, थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है, अच्छी बात है जी, हमारे कपड़े पूरे आ रहे. वंस वो डायग्नोस हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है हाय मैं क्या करूंगा, मैं खाना खा पाऊंगा कि नहीं, मेरे को पेन तो नहीं होगा. लीवर कहता है भैया अगेन व्हाट माइंड डज, बॉडी इज अ पतिव्रता नारी,
बॉडी क्या करती है, लिवर के सेल डिवीजन रेट को बढ़ा देती है, वो सेल बढ़ा देती है और फिर क्या होता है कि भाई इसका खाना डाइजेस्ट हो, मेरा, मेरे स्वामी कह रहे हैं खाना कैसे चबाऊंगा, खाना कैसे डाइजेस्ट करूंगा, मेरा वेट गिर रहा है, मेरा वेट गिरना नहीं चाहिए, तो लिवर अपनी सेल्स को बढ़ा देता है और सेल डिवीजन रेट बढ़ जाता है. सो द फर्स्ट कैंसर जो होता है वो कहाँ पे आता है, फर्स्ट कहीं का भी कैंसर हो अब देखेंगे लंग्स और लिवर में फर्स्ट जाते हैं. क्यों? माइंड, इट्स योर माइंड, थायराइड, माइंड. कोई भी एलर्जी भी हो रही है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज है जो आपको, मतलब कोई बंदा है, कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज है जो आप, वो बंदा नहीं चाहते आपकी लाइफ में हो या वो सिचुएशन आप नहीं चाहते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कि आप इसका सॉल्यूशन ढूंढे, आप बस प्रॉब्लम ओरिएंटेशन में सोचते रहते कि ये प्रॉब्लम हो रही है, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे निकलूं, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये बंदे ने मेरे को ऐसे कह दिया, मेरी पड़ोसन ने ऐसे बोल दिया, ये बंदे ने, मतलब ऑल वी डू इज कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते. भागवत गीता टेल्स अस द सॉल्यूशन, भागवत गीता अभी प्रॉब्लम्स बता रही है कि देखो दुर्योधन ने ऐसे किया, कितना महान योद्धा था, कितना पावरफुल योद्धा था, कितना ब्रेव वो था, और उसके बाद भी युद्ध भी कर लिया, सबको इकट्ठा भी कर लिया, बट वॉट ही वॉन्टेड वॉज पावर हंग्री, मुझे ये किंगडम चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. जेलसी, तो जब हम उस गोल पे जाते हैं या हम किसी सिचुएशन पे जाते हैं या कोई हमारा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम स्टकअप होते हैं, हम सरेंडर नहीं करते, हम ये नहीं कहते. अब इस पर मेरे को एक चीज याद आ रही है, जैसे लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी, अभी रामायण भी चली है लॉकडाउन में, सबको पता लक्ष्मण जी को कैसे पोर्ट्रे किया गया, ही इज द फर्स्ट एंग्री यंग मैन.